मेरा नाम सुनीता है और जो है आज ये फूड फेस्ट का जो कंपटीशन अरेंज किया गया है ये ध्यान में रखने के लिए कि जो हम रेगुलर फूड खाते हैं और जो हम डेली बेसिस पे, और ये स्पेशली इसलिए अरेंज किया क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कितना न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो उसमें बैलेंस डाइट का जरूरी है। बैलेंस डाइट इन द सेंस हमें जो है एटलीस्ट 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% प्रोटीन एंड 30% जो है फैट की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे, और डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल द थिंग्स हमें रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे। इसलिए हम जो है लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो आने वाली बीमारियों से बच सकेंगे, जो आजकल नॉर्मली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ओबेसिटी की वजह से। तो ये हेल्दी फूड है, इसमें सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, चाहे वो स्प्राउट्स ऑफ फॉक्सटेल मिलेट हो, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है मैंने बनाया है, इसमें फाइबर रिच पालक जो है वो पालक मैंने यूज़ किया है, ग्रीन चपाती मैंने बनाया, इट्स अ मल्टीग्रेन मिक्स ग्रीन चपाती, और इसके फायदे ये है कि इसमें गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स है। पालक इसलिए जनरली यूज़ करते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पनीर में जो है गुड, इसमें एटलीस्ट अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं ना तो उसमें 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम पनीर में। और ये जो फॉक्सटेल मिलेट है इसमें हमें प्रोटीन मिलता है 12.30 ग्राम्स, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की होते हैं जो हमारे डेली बेसिस पे हमें चाहिए। इसके जो है हमें वेट लॉस, नॉट ओनली वेट फैट, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ जो हम माल न्यूट्रिशन आजकल खा रहे हैं। मिलेट्स स्पेशली इट्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो ईयर है ना 2023 का, ये इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया, इसकी वजह से मैंने मिलेट्स का खिचड़ी बनाया है। इसमें मैंने बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, और इसके अलावा जो है मैंने प्रोटीन, और इसमें मूंग दाल भी है, मूंग दाल मिक्स जो है फॉक्सटेल मिलेट है, और फॉक्सटेल मिलेट के बहुत सारे फायदे, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, नॉट फॉर मसल बिल्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सभी से आपको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आप ये बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने स्प्राउट सैलड बनाया है, ये स्प्राउट सैलड जो है इसमें इसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसे हाईली जो है रिक्वायरमेंट टुडे वी हैव, और इसमें बहुत सारे जैसे मूंग दाल है और देसी चने हैं, खीरा है, ककड़ी, सारे इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है। स्प्राउट हम बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट दोनों टाइम में ले सकते हैं, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ मसल बिल्डिंग एंड हमें वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा मैंने एक स्वीट भी बनाया क्योंकि मेरा फूड बगैर स्वीट के कम्प्लीट नहीं हो सकता, इसे नॉर्थ इंडियन डिश, इट्स कॉल्ड एज ए गुजिया, और इसमें जो है मैंने जो है खोया इस्तेमाल किया, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किया, बहुत ही लो कैलोरी है, एटलीस्ट वन गुजिया लेस देन 60 कैलोरीज इज देयर। सो हम स्वीट भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में स्वीट भी हमें खाना चाहिए। तो ये मेरा कंप्लीट मील है जिसे मैं जो है लक्ष्मण सर को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने ये कंडक्ट किया है और जो है हमें एक मौका दिया ये सब करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हाई, दिस फेस्ट वॉज कंडक्टेड इन लक्ष्मण जिम एंड आई मेड दिस मूंग दाल स्प्राउट्स अप्पी विच इज़ रिच इन, एज वी ऑल नो दैट मूंग दाल इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटमिन्स, which is very good. I also made the sprouts made up of salad which contains onions and tomatoes, which is with a pepper and a salt. And generally we give this to kids, they will not have. And rich, we all know that moong dal contains a lot of minerals, calcium and protein. So I made this kind of appe which is eatable by everybody. And after workout, before workout, we can have this, which is very rich. And I made this little tangy tomato chutney and it's a good combination overall. Thank you. So today I'm going to talk about the methi paratha, which has been rich in fiber and it is made up of full of nutrients. We can find in single paratha, which is of 39 grams, which contains minimum of 8 grams of protein, 16 grams of fiber, and we can find this as a food which helps in digestion as well as in the process of all the nutrients, which in the cold time we eat this food much and etc. In this way we also have the tomato chutney which we prefer eating with the paratha and all, and we can have the chana which is full of protein. We can see it is a mix of protein which contains 100 grams of chana which contains about 20 grams of protein and all. In this way we can see that healthy food and protein rich food is required for a gym person. So if we eat this food we will be healthy. Thank you. Good morning, myself dietitian Vajudi Begum. I am from Lakshman Gym. Today is a food fest event which was organized by Lakshman sir. I have prepared sweets, two sweets I have made, one non-veg, kesar. It's a kesar and pista mousse. This is badam and kesar mousse. This is threaded chicken, which is a snack type. As it is Ramzan is coming, we can serve it.
with garlic sauce. As a chicken is rich in proteins, garlic sauce I have made with pure garlic ingredient. It is rich in vitamin C. As this mousse is made up of milk, it is rich in calcium. This is also I have made with milk. It is rich in calcium. As it is healthy diet food. The people are coming in the gym for weight loss and weight gaining process. So for weight loss, we can follow the diet. In the Lakshman gym, I am the dietitian. I can provide you a best diet. Okay. And for the weight gaining process, I can give you a protein-rich diet. I can advise you, protein-rich diet will be very good for muscle gaining and for a healthy lifestyle also. And nowadays, people are suffering from many of the problems like hypertension, PCOD, and weight loss. Many of them are suffering from weight loss. So I can suggest them diets on the daily basis.